आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले प्रथमा बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रथमा बैंक के सामने पेंशन न दिए जाने को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया। धरने के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रामीण बैंक कर्मियों को पेंशन दी जाने का आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके बाद भी पाशान द्वारा 120 दिन के अंदाज प्रथमा बैंक रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन देना प्रारंभ नहीं किया। कहा कि वक्ताओं ने इस शांतिपूर्ण बनाने का उद्देश्य तथा बैंक के प्रबंधक का ध्यान आकर्षित करना है, जिससे वह स्वयं पेंशनों का कार्य कर सके। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज हमारे का जो धरना है, ये हमारा धरना इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के बाद, नेबार्ड द्वारा अनुशंसा के बाद और सिंडिकेट बैंक द्वारा ये कहने के बाद कि पेंशन इन्हें हर हालत में शीघ्र रिलीज की जाए, अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया। अभी पीछे नाबार्ड ने भी अपनी 22 तारीख की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि 31 मार्च तक हर हालत में पेंशन स्वीकृत कर दी जाए, लेकिन आज तक की स्थिति में यह है कि हमें यह नहीं पता है कि हमें कितना शेयर EPFO एम्प्लॉयर शेयर में कितना बैंक को वापस करना है। और उसके बाद में आज 4 दिन बचे हैं, आज 28 तारीख हो गई है, 31 तारीख के बाद में सिंडिकेट बैंक का यहाँ पर वर्चस्व खत्म होकर के पंजाब नेशनल बैंक का स्पॉन्सरशिप आ जाएगी। उस स्थिति में क्या हालात बनेंगे कहना मुश्किल है। हमने इनसे बार बार लगातार ये अनुरोध किया कि आप जल्दी से जल्दी शीघ्र कर दीजिए, क्योंकि दूसरे बैंक के आने के पश्चात मामला उलझ सकता है। तब भी आज 28 तारीख तक हमें ये नहीं पता लग पाया है कि हमें कितना शेयर जमा करना है। जो चीज़ जानकारी में आ रही है वो भी इतनी उलझी हुई है कि ये पता नहीं लगेगा कि जिन आदमियों का पैसा खत्म हो चुका है वो आदमी अपना शेयर कैसे जमा करेंगे। लोन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि लोन की व्यवस्था की जाए और 31 से पहले पहले सभी लोग, जो लोग अपना पैसा जमा कर देते हैं उन लोगों को सबको पेंशन वितरित कर दी जाए। जो लोग पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं उनको एम्प्लॉयड शेयर जमा नहीं कर पा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए लोन की व्यवस्था हो ताकि वो भी अपनी पेंशन करा सके।